प्रिय छात्रों, आज हम क्लास ट्वेल्थ का होम साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया हूं। तो आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हम बिना देर किए हुए हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये डिमांड था कि होम साइंस का तो चैप्टर वाइज वीडियो बना ही रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी लाया जाए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि मजदूरी किस आय के अंतर्गत आता है। आपके सामने ऑप्शन है वास्तविक आय, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, मौद्रिक आय, मासिक आय। तो इसका सही आंसर होगा सी, मौद्रिक आय। दूसरा प्रश्न है कि पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए धन को निम्नलिखित जगह पर रखना चाहिए, बैंक के लॉकर में, बैंक के सेविंग खाता में, घर की अलमीरा के लॉकर में, या ज़मीन में गाड़कर। तो इसका सही आंसर होगा बी, बैंक के सेविंग खाता में। चलिए, अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय बचत पत्र एक जमा योजना है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना, विभिन्न बैंकों द्वारा चलाई गई योजना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना। चलिए, अब आपके सामने चौथा प्रश्न कह रहा है कि केवीपी हम लोग कहाँ से खरीदते हैं। आपके सामने ऑप्शन है बैंक, डाकघर, या ए और बी दोनों, यानी बैंक और डाकघर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, डाकघर। चलिए, अब आपके सामने पाँचवा प्रश्न है कि कंपनी के मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं, कौन बनाते हैं, है ना। तो आपके सामने ऑप्शन है वित्त विभाग, लेखा विभाग, व्यवस्थापन विभाग, या सरकार। तो इसका सही आंसर होगा बी, लेखा विभाग। चलिए, अब आपके सामने छठा प्रश्न है कि धन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या खरीदना चाहिए, बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट शेयर, या अलमारी, या मोटर, या स्कूटर। तो इसका सही आंसर होगा ए, बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट शेयर। चलिए, अब आपके सामने सातवां प्रश्न है कि बाजार का राजा कहलाता है, कौन कहलाता है, विक्रेता, या निर्माता, या उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, उपभोक्ता। चलिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ तो कब लागू हुआ, 1996 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, या 2000 ईस्वी में, या 1986 ईस्वी में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। तो इसका सही आंसर होगा डी। चलिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि ICDS की स्थापना किस वर्ष में हुई, 1975 में, 1979 में, 1960 में, या 1990 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 1975 में। चलिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि ISI का पूरा नाम क्या है, भारतीय मानक संस्था, उपभोक्ता निवारण संगठन, फल उत्पादक आदेश, या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ए, भारतीय मानक संस्थान। चलिए, आपके सामने 11वां प्रश्न है कि FPO का पूरा नाम क्या है, फल उत्पादक आदेश, मांस उत्पादन नियंत्रण आदेश, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, फल उत्पादक आदेश। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है, चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, खेती करने का अधिकार, या उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसका सही आंसर होगा सी, खेती करने का अधिकार। चलिए, अब आपके सामने 13वां प्रश्न है कि ATM का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया कब,
तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, ये लागू किया गया था, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, ये लागू किया गया था 24 दिसंबर 1986 को। चलिए अब आपके सामने 15वां प्रश्न है कि नाटे कद के तथा मोटे व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए, नाटे कद के तथा मोटे कद के जो होते हैं वैसे व्यक्तियों को नहीं पहनना चाहिए। क्या नहीं पहनना चाहिए? छोटी प्रिंट वाले वस्त्र, बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र, या छोटे व बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र, या सादा वस्त्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र। बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए। अब आपके सामने 16वां प्रश्न है कि गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? निर्माण इकाई कर्मचारी, रेस्तरा में मैनेजर, आंतरिक सज्जाकर, पुराने समाज के दुकान में कर्मचारी। तो इसका सही आंसर होगा ए, निर्माण इकाई कर्मचारी। चलिए अब आपके सामने 17वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? नायलॉन, ऊनी, रेयन, सूती। तो इसका सही आंसर होगा ए, नायलॉन। चलिए अब आपके सामने 18वां प्रश्न कि एक तंतु रेशा है, नायलॉन, रेशम, कपास, पॉलिस्टर। तो इसका सही आंसर होगा बी, रेशम। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक तंतु है, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, सूती। इसका सही आंसर होगा डी, प्राकृतिक तंतु है सूती। 20 नंबर का प्रश्न है कि कीड़े से बनने वाले रेशा हैं, रेशम, ऊन, रेयन, नायलॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, रेशम। कीड़े से बनने वाले रेशा है रेशम। चलिए अब अगला प्रश्न कि लॉन्ड्री का अर्थ है, लॉन्ड्री का अर्थ क्या है? गंदगी निकालना और उन्हें सुंदर बनाना, कपड़ों को लकड़ी के डंडे से कूटकर धोना, या कपड़े को अलमारी में अच्छी तरह रखना, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, गंदगी निकालना और उन्हें सुंदर बनाना। लॉन्ड्री का अर्थ यही होता है। अगला प्रश्न है कि ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं चूहे, मच्छर, कीड़े, या छिपकली। तो इसका सही आंसर होगा सी, कीड़े। चलिए अगला प्रश्न है कि नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है, फफूंदी, कीड़े, खमीर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, फफूंदी। चलिए अब 24 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक रंग है लाल, पीला, नीला, या फिर हरा, लाल, नीला, या नारंगी, हरा, केसरी, या लाल, नारंगी, हरा। इसका सही आंसर होगा ए, जो प्राथमिक रंग होता है वो होता है लाल, पीला और नीला। चलिए अगला प्रश्न है कि साबुन में होता है सोडियम, सिलिकेट, मांड, नमक, या उपयुक्त में सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में सभी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कपड़ों की धुलाई निर्भर करती है किस पे? कपड़ों की किस्म पर, या गंदगी की मात्रा पर, या गंदगी के प्रकार, या उपयुक्त सभी पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी पर। चलिए अगला प्रश्न है कि साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है, तेल, पानी के मिश्रण से, या केमिकल से, या वसा तथा क्षार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, वसा तथा क्षार। अगला प्रश्न है कि धब्बे के कितने प्रकार होते हैं, 5, 3, 4 या 6? इसका सही आंसर होगा धब्बे के 5 प्रकार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? इस्त्री करना, धूप तथा हवा का प्रयोग करना, या ड्रायर, या फिर पिटना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, धूप तथा हवा का प्रयोग। इस विधि से क्या होता है कि कपड़ों को सुखाने में यह सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? वनस्पति धब्बे, प्राणिज धब्बे, वसायुक्त धब्बे, या खनिज युक्त धब्बा। इसका सही आंसर होगा ए, वनस्पति धब्बे।
अगला प्रश्न है कि शुष्क धुलाई की जाती है फ्रेंच ना चाक से या मैदा से या टेलकॉम पाउडर से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शुष्क धुलाई की जाती है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राणिज धब्बा है दूध फूल पत्ती या सब्जी। तो इसका सही आंसर होगा ए दूध। प्राणिज धब्बा क्या है? दूध। दूध जो होता है वो किसी प्राणी से दूध निकलते हैं और दूध का धब्बा प्राणिज धब्बा कहलाएगा। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि सिरका है अम्लीय या क्षारीय पदार्थ या चिकनाई विलायक या चिकनाई अवशोषक। इसका सही आंसर होगा ए अम्लीय पदार्थ। क्या होगा? अम्लीय पदार्थ। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न किसान विकास पत्र खरीदते हैं दुकान से बैंक से या डाकघर से या LIC से। दुकान से बैंक से डाकघर से या LIC से। तो किसान विकास पत्र जो खरीदा जाता है वो खरीदा जाता है डाकघर से। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता तथा शुद्धता का को तय करता है पेय पदार्थ या इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ या कृषि पदार्थ या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा कृषि पदार्थ। अगला प्रश्न है कि बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं कितने 5, 8, 12 या 20। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए संतुलित या जिससे बच्चों का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो या प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए संतुलित भी होना चाहिए और साथ ही साथ जिससे कि बच्चों का स्कूल जो बैग होता है उसमें जो पुस्तकें रखी होती है वो खराब भी ना हो और प्रतिदिन जो है विभिन्नता वाले टिफिन उसको देना चाहिए। ये नहीं कि प्रत्येक दिन एक ही प्रकार का हम उसको टिफिन दे रहे हैं, थोड़ा उसमें भिन्न विभिन्नताएँ होनी चाहिए। अलग अलग प्रकार प्रकार के प्रतिदिन टिफिन बेहद ज़रूरी है बच्चों के लिए। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है एक मार्क बुल मार्क हॉल मार्क या इको मार्क। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए एक मार्क। चलिए अगला प्रश्न है कि बैगनी रंग है प्राथमिक रंग द्वितीयक या तृतीयक है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी द्वितीयक रंग। फिर आपके सामने 40 नंबर का प्रश्न है कि जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई होती है कितनी 40 सेमी या 80 सेमी या 50 सेमी या 30 सेमी। इसका सही आंसर होगा सी 50 सेमी। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि बच्चों को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है। यहाँ पे कटा हुआ है आयु है लिखा हुआ, किस आयु में दिया जाता है 2 से 4 माह 16 से 24 माह या 0 से 3 माह या 6 से 9 माह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी 16 से 24 माह। अगला प्रश्न है कि जंग का धब्बा है प्राणिज धब्बा या खनिज धब्बा या चिकनाई युक्त धब्बा या वनस्पति धब्बा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी खनिज धब्बा। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है खड़ी रेखा या पड़ी रेखा या वक्र रेखा या क्रॉस रेखा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए खड़ी रेखा। खड़ी रेखा जो है वो रेखा लंबाई की आभासी है। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए है ना दूध सूप जूस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है मौद्रिक आय प्रत्यक्ष वास्तविक आय या अप्रत्यक्ष वास्तविक आय या मानसिक आय। तो इसका सही आंसर होगा ए मौद्रिक आय। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है प्रसार शिक्षा
या डायटेटिक्स या वस्त्र विज्ञान या मानव विकास। इसका सही आंसर होगा ए, प्रसार शिक्षा। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 4 या फिर 6। तो इसका सही आंसर होगा ए, 3 प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, आर्थिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता या सामाजिक अक्षमता। इसका सही आंसर होगा ए, आर्थिक अक्षमता। चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चे किस वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, माता के बीमार पड़ने पर, पिता की नौकरी पर जाने पर, या माता पिता की अनुपस्थिति में, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, कि बच्चों के वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता माता की बीमार पड़ने पर भी पड़ जाता है, पिता के नौकरी पर जाने के बाद भी पड़ता है, माता पिता की अनुपस्थिति में भी पड़ता है, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर होगा सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि कीड़े को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए, सूखी नीम की पत्तियाँ, नेफ्थलीन की गोलियाँ, समाचार पत्र की स्याही, या फिर इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी।